अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 30 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम फॉर लूप के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉर लूप क्या है और एक सिंपल सा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो कि फॉर लूप से रिलेटेड होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है कि जो कुछ मखसूस प्रोग्राम या मखसूस आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये मखसूस है, किसी भी मखसूस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। तो मैंने ये पहले प्रोग्राम एक बनाया हुआ था, इसको मैं रिमूव करता हूँ और एक नया प्रोग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, तो फॉर लूप के लिए मैं एक इंटीजर लेता हूँ, एंट एक्स लेता हूं और एक्स को एक वैल्यू देता हूं 1। बल्कि फॉर लूप की स्टेटमेंट ऐसे नहीं होती। फॉर लूप की स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉर एंट एक्स और एक्स की वैल्यू में देता हूं 1। इसका सिंटैक्स होता है, मैं कहता हूं एक्स इज लेस देन 10, अगर लेस देन 10 है एंड एक्स प्लस प्लस सी वैल्यू बढ़ती जाए। ओके, सी आउट में आउटपुट इसके आनी चाहिए। एक्स एंड एल। ओके, आप देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहे हैं। यहां पे मैंने फॉर लिखने, सॉरी, ओके। अब यहां पे देखें प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो आप यहां से ऐसे यूज करते हैं। सिंटैक्स जो फॉर का है वो सिंटैक्स आपके पास ये है। इसमें मैंने एक इंटीजर लिया है एक्स और एक्स को मैंने एक वैल्यू दे दिया 1। मैं कहता हूं कि ये जो एक्स है ये 1 के इक्वल है, तो एक्स जो है ये लेस देन 10 तक मेरी वैल्यू को एक्सिक्यूट करे और ये ऐड होता जाए, एक्स प्लस 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 ये ऐड होता जाए। जब ये ऐड होता जाएगा तो ये मेरी वैल्यू लेस देन 10 तक लेके जाएगा और सी और पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू 1 है और जब एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स 1 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 क्यों? के मैंने इसको कहा है कि एक्स जो है मेरे पास ये लेस देन 10 तक वैल्यू को सामने लाए। इसके लिए जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की वैल्यू लेके आए। 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 आ गया और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 प्लस 1, 6, 6 प्लस 1, 7, 7 प्लस 1, 8 और 8 प्लस 1, 9। इस तरह प्लस करके आपकी वैल्यू को सामने ला रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां से चेंज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है 1 की 1 से चले और यहाँ पे जो वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी, 150 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 150 हो जाए, तो आप यहाँ पे आप देखें इसे बिल्ड करें तो ये 150 तक वैल्यू चलेगी, 149 लेस देन। मैं चाहता हूँ नहीं, 150 भी इसके साथ होना चाहिए। तो 150 के लिए आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू आप करोगे तो आपके 150 भी सामने आ जाएगा। बिल्ड करें इसको 150। अब ये 1 की सीरीज में आगे चल रही है, मैं चाहता हूँ नहीं ये 1 की सीरीज में ना चले, यहाँ पे ये चले जी 5 की सीरीज में आगे चलती जाए। ओके, तो मैं चाहता हूँ x इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है, x इज इक्वल टू मेरे पास 5 के इक्वल है और x प्लस प्लस होता जाए और ये मेरे पास x 5 की सीरीज में आगे चले। तो मैं इसे रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन करता हूँ। उसके लिए यहां से x प्लस प्लस नहीं, x यहां पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, x प्लस इक्वल टू 5, x प्लस इक्वल टू 5 की वैल्यू से चलता जाए। ओके, से मैं बिल्ड करता हूँ, 5 की वैल्यू से चाह रहे 25, 30, 35, 40,
देखिए यहाँ पे आप 45, 50, 55 इस वैल्यू से आगे चल रहे, वैल्यू को 1 ही दे देते हैं। 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, तो अब देखें ये वैल्यू हमारे पास कैसे चल रही है, 5 की सीरीज में आगे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। वन से स्टार्ट हो रहे, अगर आप नहीं कहते फाइव से स्टार्ट हो तो ये फाइव से स्टार्ट होगा, अभी वन से हो रहा है, वन सिक्स। अगर मैं इसको फाइव से करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे फाइव लिखूंगा, यहाँ पे फाइव के इक्वल है। ओके अब देखिए फाइव से स्टार्ट हो रहा है, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी फाइव, फोर्टी, तो इस तरह इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो फाइव में से कहता हूँ ये फिफ्टी तक आ जाए, फिफ्टी तक आ जाएगी, मैं इसे वैल्यू देता हूँ टेन, मैं चाहता हूँ टेन की सीरीज में आगे चलता जाए, तो आप टेन की सीरीज में यहाँ पे से क्लिक करें तो टेन की सीरीज में आगे चलता जाएगा। देखिए फिफ्टीन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी फाइव, फोर्टी फाइव, फिफ्टी फाइव, सिक्सटी फाइव, सेवेंटी फाइव, ये टेन की सीरीज में आगे चल रहे हैं, और 145 इसलिए लेके आया है क्योंकि आगे 5 की सीरीज में अगर करते तो कंप्लीट 150 तक आ जाता, तो मैंने कहा है लेस देन इक्वल टू, तो ये फिर 155 आगे 5 डिजिट आगे बढ़ जाते हैं, इस वजह से इसने क्या किया है कि लेस देन 145 इसने कर दिया है, कि ताकि आपका 150 से लेस देन 5 डिजिट अगर आप करते हैं, 10 डिजिट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ओके तो ये जी आपका आज का लेसन जिसमें हमने फॉर लूप के ऊपर डिस्कस किया कि फॉर लूप होता है क्या और फॉर लूप से आप कैसे काम कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फॉर लूप से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।